108 मेगापिक्सल का कैमरा फोन में, यार इतना तो यार DSLR कैमरा भी नहीं आता। वेल, देखा जाए तो कुछ साल पहले एक ज़माना आया था जब स्मार्टफोन्स में नए नए कैमरास आना चालू हुए थे। तब आपको VGA कैमरा मिलता था तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। 0.2 मेगापिक्सल, 0.3 मेगापिक्सल से भी लोग एक्साइटेड हो जाते थे। यहाँ तक कि जब दुनिया का पहला फ़ोन आया था जिसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिला था, तो वो आया था शार्प कंपनी की तरफ से, और उसके अंदर जो कैमरे का जो मेगापिक्सल था ना, या फिर मैं कहूँ उसका जो रिजोल्यूशन था ना, वो था 110K पिक्सल, यानी कि 0.11 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता था दुनिया के पहले कैमरा वाले फोन में। और उस जमाने में इस टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी माना जाता था। मतलब कि आपके फोन के अंदर कैमरा, आप उसे फोटोग्राफ खींच सकते हो, तो एक काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती थी। और ये बात मैं कर रहा हूं ईयर 2000 की। लेकिन पिछले 19 सालों में जो कहानी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। यानी कि 2000 के बाद जब नोकिया ने अपने पहले कुछ अच्छे कैमरा फोन निकालना चालू किए, तो जनरली उनमें आपको 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। उसके बाद नोकिया ने अपने कुछ कैमरा सेंटर फोन बनाना, यानी कि ऐसे फोन से जिनके अंदर आपको कार्ल ज़ीस के लेंसेज देखने को मिलते थे, और उसके अंदर आपको पता है कि कैमरा का रिजोल्यूशन क्या होता था? वो होता था सिर्फ 2 मेगापिक्सल। यानी कि नोकिया की N सीरीज आई थी एक, जिसके अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, उसके अंदर कार्ल ज़ीस के लेंस होते थे, और उसे बोला जाता था एक डेडिकेटेड कैमरा फोन, और उसके अंदर इमेज की क्वालिटी को लोग पता नहीं बहुत अच्छा बताते थे। तो ये बात तो हो गई एक जमाने की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक जमाना आया जब धीरे धीरे मेगापिक्सल वॉर स्टार्ट हो गई। यानी कि 2 मेगापिक्सल के बाद जमाना आया 3.2 मेगापिक्सल का, उसके बाद एक जमाना आ गया 5 मेगापिक्सल का। लोग 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल का कैमरा फोन में डालने लगे, और लगभग आज से 10-12 साल पहले ना इस मेगापिक्सल वॉर को जीता था नोकिया ने। अब नोकिया ने अपना एक नया फोन निकाला जिसका नाम था प्योर व्यू 808, जिसके अंदर आपको 41 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। उसके बाद नोकिया लुमिया 1020 निकाल दिया जिसके अंदर आपको 41 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। तो ये कुछ चीजें की थी नोकिया ने और इस मेगापिक्सल वॉर को जीत लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेगापिक्सल वॉर का जो पूरा फंडा है ना, ये काफी धीरे धीरे सेटल होता गया। यानी कंपनी अब धीरे धीरे मूव करने लगी। यानी कि 8-10 तक तो आ गई, उसके बाद 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, और ज्यादातर कंपनियां 16 मेगापिक्सल तक ही रहने लगी। इससे ज्यादा मेगापिक्सल के वो फोन्स निकाल भी नहीं रही थी। एक काफी अच्छा एग्जांपल है सैमसंग का, कि सैमसंग ने अपनी एस सीरीज और नोट सीरीज में एक जमाने में 16 मेगापिक्सल तक गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे हटके 12 मेगापिक्सल का कैमरा देना चालू किया, और अभी तक वो 12 मेगापिक्सल दे रहे हैं लेटेस्ट गैलेक्सी नोट 10 के अंदर भी। और उसके अंदर वो ऑप्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे थे, पिक्सल साइज को इम्प्रूव कर रहे थे, काफ़ी सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग होती है उसे इम्प्रूव कर रही थी सैमसंग। सेम ऐसे ही केस हमने आईफोन के साथ देखा। आईफोन 4S के बाद काफ़ी लंबे समय तक आपको 8 मेगापिक्सल का जो इमेज सेंसर है ना, वो आईफोन में कंसिस्टेंट रहा, और कुछ साल पहले ही 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो अभी तक 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर पर ही टिके हुए हैं, और उसके अंदर प्रोसेसिंग और कैमरा एलिमेंट्स को चेंज करके उसकी फोटोग्राफी को काफी ज्यादा बेटर कर रहे हैं। यहां तक कि जो अगर हम हाईएस्ट मेगापिक्सल काउंट की बात करें 2019 से पहले तक की, तो वो आपको 24 मेगापिक्सल के राउंड देखने को मिलता था, और मेनली सोनी उसे बनाया करती थी। तो देखा जाए तो जो मेगापिक्सल वॉर थी ना, वो खत्म हो गई थी, और लोग अच्छी फोटोग्राफी को पसंद कर रहे थे। लेकिन 2019 है ना, ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो गया। यानी कि 2019 की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपको काफ़ी बड़े बड़े इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं मेगापिक्सल काउंट के अंदर, जो आज से पहले हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि 2019 की स्टार्टिंग, या फिर कहूँ 2018 के एंड में ही आपको 48 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर देखने को मिला फोन्स के अंदर। और 48 मेगापिक्सल का आप जानते हो कि आज के समय में ये जो इमेज सेंसर है सोनी का, ये कितने फोन्स में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इससे सैमसंग का 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये भी कितने सारे फोन्स में आ रहा है। इसके बाद कुछ समय पहले सैमसंग ने अनाउंस किया कि वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा लाने वाले हैं, यानी कि उन्होंने इमेज सेंसर बना लिया जिसका जो रिजोल्यूशन है वो है 64 मेगापिक्सल। तो वो इमेज सेंसर भी आपको देखने को मिलने वाला है अपकमिंग Redmi Note 8 Pro में। यानी कि अपकमिंग Redmi Note 8 Pro होगा वो दुनिया का पहला ऐसा फोन बन जाएगा जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और बात तो यहां तक खत्म नहीं हो जाती। अभी कुछ टाइम पहले सैमसंग ने अनाउंस किया कि वो उन्होंने 108 मेगापिक्सल यानी कि 108 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर बना लिया, और उसके तुरंत बाद Xiaomi सामने आए और उन्होंने बताया कि जो दुनिया का पहला फोन होगा जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, तो वो Xiaomi का Mi Mix 4 होगा, जो कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो देखा जाए तो एक साल पहले का हम 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल पर थे, लेकिन एक साल खत्म होने भी नहीं आया और हम 108 मेगापिक्सल तक होते हुए आ गए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता आने वाले समय में आपको 1000 मेगापिक्सल या फिर जो 1 गीगापिक्सल वाला जो इमेज सेंसर होता है ना, वो फोन के अंदर देखने
को मिलने लग जाए। लेकिन अगर हम मेगापिक्सल्स की बात करें ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। मतलब मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है, इमेज सेंसर, इस सेंसर का साइज, जो उसके अंदर पिक्सल साइज होता है, वो जो ऑप्टिक्स होते हैं, अपर्चर होते हैं, लेंस का कितना बड़ा रोल होता है, ये काफी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सबसे बड़ा तो फैक्टर आप जानते हो कि पोस्ट प्रोसेसिंग होता है, तो इमेज की जो क्वालिटी ना, वो मेगापिक्सल हमेशा डिसाइड नहीं करते। एक काफी अच्छा एग्जांपल है कि आपको लोगों को पता है कि एक महंगा DSLR ले लो, प्रोबेबली एक एग्जांपल लेते हैं कैनन 7D का, जो कैनन EOS 7D है ना, उस कैमरे के अंदर आपको 20.2 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर देखने को मिलता है। और देखा जाए तो नंबर्स के मामले में 48 मेगापिक्सल से कम है, लेकिन उसकी इमेज क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब कि उस DSLR के अंदर जो इमेज सेंसर का जो साइज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, उस पर एक अच्छा लेंस लगा दो तो डेफिनेटली एक अच्छी फोटोग्राफ ले पाएगा किसी भी 48, 64 या तक कि अपकमिंग 108 मेगापिक्सल से। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मतलब कि DSLR कैमरा जो 1-1.5 लाख का है, जिसके अंदर जो आपको मेगापिक्सल का जो काउंट है वो भले कम देखने को मिले, लेकिन वो ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ ले पाएगा। तो ये बात तो हो गई कि जो मेगापिक्सल्स है वो हमेशा से जो इमेज की क्वालिटी उसे डिफाइन नहीं करते, और उसके ऊपर जो दूसरे फैक्टर्स है ना वो डिफाइन करते हैं, जैसे कि पिक्सल साइज हो गया, जो ऑप्टिक्स हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट प्रोसेसिंग हो गया। तो फिर आखिर मेन रीजन आता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने फोन के अंदर इतने हाई मेगापिक्सल काउंट को क्यों प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसका जो मेन रीजन है ना, वो ये है कि जो कंपनीज है ना, वो मार्केटिंग करना चाहती और एक हाइप क्रिएट करना चाहती। मतलब कि लोगों की नजरों में लगे कि इस कंपनी ने 108 मेगापिक्सल का फोन के कैमरे को बनाया, तो ऑब्वियसली इसका कैमरे की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, ये कंपनी इनोवेशन कर रही है, उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करें तो कहीं ना कहीं उस फोन की सेल्स के साथ जो उस कंपनी के जो दूसरे फोन थे ना, उनकी सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कंपनीज है ना, सिर्फ अभी मार्केटिंग के लिए कर रही है। मतलब आप खुद सोच के देखिए, अगर मेगापिक्सल ही सब कुछ होते तो आज के इट में जितने भी मेजोरिटी हाई एंड कैमराज है ना, उनके अंदर जो कैमरे की इमेज का रिजोल्यूशन है वो 50 मेगापिक्सल से कम है। मतलब मैं मेजोरिटी अच्छे कैमराज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप 64 और 108 मेगापिक्सल पे जा रहे हो। कंपनीज देखा जाए तो ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ फेक हाइप और एक मार्केटिंग कर सके और वो अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा बेच सके। वैसे देखा जाए तो हर कंपनी ऐसा नहीं करती, कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अच्छी इमेजेस को प्रोड्यूस किया और कैमरा में दूसरे टाइप के इनोवेशंस लाए, क्योंकि उन्हें भी पता है मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता। काफी अच्छा एग्जांपल है सैमसंग का। सैमसंग 48 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर को बनाती है, 64 के बनाती है, 108 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर को बनाती है, लेकिन उसके फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं, जैसे गैलेक्सी नोट 10 को ही क्यों ना ले ले, जिसका DxO मार्क स्कोर आज के समय में सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन आने वाले टाइम में जब पिक्सल 4 आएगा तो उसे बीट कर देगा। तो करेंटली देखा जाए तो गैलेक्सी नोट 10 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन हो जाता है, और उसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और सैमसंग ने उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसिंग होती है उसको इम्प्रूव किया, और कैमरा के अंदर वो वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी खोला है जो एक्चुअली में ज़्यादा यूजफुल है और आपको अच्छी इमेजेस भी प्रोड्यूस करके देती है। सिमिलर केस गूगल ने भी किया। आप लोगों को तो पता है कि कितने समय से जो गूगल के जो पिक्सल फोन उनके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो आज के समय में किसी भी फोन से अच्छी फोटोग्राफ्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गूगल ने उसके अंदर जो पोस्ट प्रोसेसिंग और जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है ना, उसे काफी अच्छे तरीके से रखा है। और आप लोगों को भी पता है कि अगर आप किसी भी फोन में Gcam को डालते हो तो ऑब्वियसली उस कैमरे की जो परफॉर्मेंस और ये जो इमेज क्वालिटी होती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग होती है ना, वो किसी भी फोन के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्रोवाइड करती है, मतलब कि उसकी इमेज की क्वालिटी रियलिटी में कैसे होगी। और अगर मैं आपको 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल की इमेज की रियलिटी बताऊं, तो आप लोगों को भी पता है कि अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा अगर आपके फोन में आता है तो ऑब्वियसली जो मेगापिक्सल काउंट होगा वो तो 48 मेगापिक्सल होगा, लेकिन जब आप फोटोग्राफ क्लिक करोगे तो वो कुछ जनरली 12 मेगापिक्सल की मिलती है, और मैक्सिमम लोग आपको 12 मेगापिक्सल की ही फोटो खींचते हुए देखने को मिलेंगे 48 मेगापिक्सल कैमरा से। वहीं 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा के साथ भी सेम बात है, वहां पे जो कैमरा जो होगा वो 16 मेगापिक्सल की इमेजेस को कैप्चर करेगा, यानी कि जो 4 पिक्सल होंगे वो कंबाइंड होकर 1 पिक्सल बन जाएंगे और आपको एक 16 मेगापिक्सल की इमेज देखने को मिलेगी। और सिमिलर ऐसा कंसेप्ट आने वाले टाइम में 108 यानी 108 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर के साथ भी होगा, यानी कि वो आपको अराउंड 27 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ को लेकर दे सकता है। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है ना, ये तो कंपनीज करते हुए आ रही है, और इनडायरेक्टली आप है ना 12 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ ले रहे हो या फिर 16 मेगापिक्सल की फोटोग्राफी ले पाओगे। लेकिन जो कंपनीज है ना, वो मार्केट कर रही है कि फोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और 64 मेगापिक्सल का कैमरा है।
तो देखा जाए तो अब ये बात आ गई मार्केटिंग और फेक हाइप के ऊपर, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ना आप 1000 मेगापिक्सल वाले फ़ोन को भी देख सकते हो। मतलब कि आज के समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि फ़ोन के अंदर मेगापिक्सल का काउंट ज़्यादा हो गया उनके DXO मार्क स्कोर से। ये कब बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, और आने वाले टाइम में जब 1000 मेगापिक्सल हो या फिर कहूँ 1 गीगापिक्सल का फ़ोन में जो कैमरा आएगा ना, तो और ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगा और ज़्यादा न्यूज़ करेगा, और डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ में ऐसा हो जाएगा। बस देखने वाली बात यह कि कौन सी पहली कंपनी होती है जो 1 गीगापिक्सल का कैमरा अपने फोन के अंदर लेकर आती है। बाकी आप लोग क्या लगता है कि कभी 1000 मेगापिक्सल का कैमरा आपके फोन के अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और कौन सी कंपनी सबसे पहले 1000 मेगापिक्सल वाला फोन निकालेगी, तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।